हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टैक्स एक्सप्रेस। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं रूल 37A और इससे जुड़ी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज और कंसर्न्स के बारे में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कुछ बेहद अहम जानकारी। रूल 37A 26/12/2022 से इम्प्लीमेंट किया गया है और इस रूल के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन 16(2)(c) के अंतर्गत ITC अवेल करने की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है आपके सप्लायर द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया जाना। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी अगर आपका सप्लायर गवर्नमेंट को ड्यू टैक्सेस का पेमेंट नहीं करता है, तो आपको ऐसी सप्लाई पर मिलने वाली ITC को डिनाई किया जा सकता है। 1/10/2022 को अमेंड किए गए सेक्शन 41 के अनुसार रिसिपिएंट को ITC विथ इंटरेस्ट रिवर्स करनी होगी यदि सप्लायर द्वारा टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया गया हो। विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 दिसंबर 2022, सेक्शन 41 के अंतर्गत किए जाने वाले रिवर्सल का मैनर प्रेस्क्राइब करने के लिए रूल 37A इंट्रोड्यूस किया गया है। इस रूल में ये मैंडेट किया गया है कि अगर आपके किसी सप्लायर ने किसी फाइनेंशियल ईयर की 3B उस फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर तक फाइल नहीं की है, तो ऐसे सप्लायर के रेसिपिएंट को अपनी ITC 30 नवंबर तक विदाउट इंटरेस्ट और आफ्टर 30 नवंबर विद इंटरेस्ट रिवर्स करनी होगी। हालांकि बाद में सप्लायर द्वारा अपनी 3B फाइल कर दिए जाने पर ऐसी रिवर्स ITC को रीअवेल भी किया जा सकेगा। इस बारे में GSTN द्वारा 14/11/2023 को एक एडवाइजरी भी इशू की गई है और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि रूल 37A की कंप्लाइंस के लिए ऐसे केसेस में टैक्स पेयर को उसकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक ईमेल भेजा जाएगा जिसमें रूल 37A की कंप्लाइंस में ITC रिवर्सल करने को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रूल 37A रेड विथ सेक्शन 41 की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अभी कुछ कंसर्न्स और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनका जिक्र यहाँ करना जरूरी है। सबसे पहले तो सेक्शन 16(2)(c) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन दायर की जा चुकी है, जिनमें से ज्यादातर अभी पेंडिंग फॉर एडजुडिकेशन स्टेटस में ही हैं। लेकिन हाल ही में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने आस्था एंटरप्राइजेस वाले मामले में सेक्शन 16(2)(c) को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दिया है। इस जजमेंट की डिटेल जानकारी और एनालिसिस के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। रूल 37A का पेरेंट सेक्शन 41 है, लेकिन इन दोनों ही प्रोविजंस की वर्डिंग्स में कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। जहां सेक्शन 41 में टैक्सेस नॉट पे टू द गवर्नमेंट मेंशन किया गया है, वहीं रूल 37A में 3B नॉट फाइल्ड बाय द रेसिपिएंट मेंशन किया गया है। तो ऐसे में ये दोनों प्रोविजंस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि सप्लायर द्वारा टैक्स का पेमेंट 3B में के जरिए ही किया जाना है। रूल 37A में केवल 3B नॉट फाइल्ड बाय द सप्लायर के बेसिस पर ही ITC रिवर्सल पर जोर दिया गया है, लेकिन इसमें सप्लायर द्वारा अदर मोड्स ऑफ पेमेंट जैसे DRC 03 को कंसीडर नहीं किया गया है। हो सकता है कि सप्लायर ने 3B फाइल नहीं की हो और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो, लेकिन उसने अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट DRC 03 से कर दिया हो। इसके अलावा इंटरेस्ट लेवी होने के केस में इंटरेस्ट किस डेट से काउंट किया जाएगा, इस बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या इंटरेस्ट ITC के एक्चुअल यूटिलाइजेशन पर डिपेंड करेगा, जैसा कि रूल 88B रीड विथ सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 भी कहता है, या फिर इंटरेस्ट की लेवी 30 नवंबर की टाइम लिमिट खत्म होने के बाद अगले दिन से कमेंस होगी, ये भी क्लियर नहीं है। इसके साथ सवाल ये भी है कि रूल 37A 26 दिसंबर 2022 से ही इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ऐसे में GST ऑडिट और स्क्रूटनी के दौरान ऐसे किसी भी केस के सामने आने पर क्या GST अथॉरिटीज रेसिपिएंट को ITC का रिवर्सल विद इंटरेस्ट रिमांड करने का राइट रखते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो इंटरेस्ट की लेवी होगी या नहीं, क्योंकि रूल 37A में तो इंटरेस्ट केवल तभी लगेगा जब ITC का रिवर्सल 30 नवंबर तक नहीं किया गया हो। GSTN द्वारा जो ईमेल ID पर रूल 37A की कंप्लाइंस से रिलेटेड कम्युनिकेशन सेंड करने की एडवाइजरी इशू की गई है, वो भी सवाल खड़ा करती है कि ये कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड होने से कितना रिलायबल होगा और क्या इसको टैक्स पेयर द्वारा रिवर्ट किया जा सकेगा या नहीं। हमने देखा है कि GSTN पोर्टल पर कंपैरिजन शीट भी एरर प्रोन है और कई बार ये कंपैरिजन शीट करेक्ट पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 3B फाइलिंग का स्टेटस यस या नो होने पर ही ITC का रिवर्सल डिपेंड हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सप्लायर ने 3B तो फाइल कर दी हो लेकिन कम आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखाकर या निल कर दी हो, तो ऐसे में रूल 37A कहां तक सार्थक होगा। तो ये कुछ अहम कॉम्प्लेक्सिटीज और कंसर्न्स हैं जो रूल 37A रेड विथ सेक्शन 41 की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर असर डालते हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं आप रूल 37A और सेक्शन 16(2)(c) की कंप्लायंस को लेकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।